दोस्तों, क्या आप भी एमिनोज लेने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं और जाकर के कुछ टैबलेट्स लेकर के आते हैं जो एमिनो की शक्ल में होती है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको उन पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल नेचुरली एमिनोज इनटेक कर सकते हैं मेरे बताए तरीके से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, असल में क्या होता है कि जब आप जिम जाते हैं, ये मेरे जिम के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आप जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी को जरूरत होती है एमिनोज की, ठीक है। अब आप जो हैं उसके लिए सप्लीमेंट शॉप पे जाते हैं, जो आपको नहीं पता वो हमें कैसा सप्लीमेंट दे रहा है, फेक दे रहा है या फिर ओरिजिनल दे रहा है, आपको नहीं पता, या उसके अंदर कितनी गुणवत्ता है या कितना गुण है उसके अंदर आपको नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक नेचुरल तरीका बताऊंगा कि आप अपना सप्लीमेंट, अपना एमिनो जो है वो खुद तैयार करें। लेकिन उससे पहले एक चीज पे ध्यान देना, जो मेरी पुरानी एक वीडियो है, कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा, चाहे आप मार्केट से एमिनोस लीजिए, चाहे आप प्रोटीन लीजिए, चाहे आप घर की लीजिए, आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं होने वाला। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपका लिवर सही काम कर रहा है या नहीं। अब बात करते हैं एमिनो की। आप जिम गए, आप जिम जाने के बाद आपको आपके ट्रेनर ने बोला कि अब आपको एमिनो लेने हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो इतने सालों से आपको एमिनो की जरूरत नहीं पड़ी, आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन जिम स्टार्ट करते ही आपको एमिनो की जरूरत पड़ गई? क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, जानने की कोशिश भी नहीं करी होगी कि एमिनो क्यों चाहिए। आप मार्केट में गए और आपने जाकर के खरीद लिया। लेकिन असल में जरूरत होती क्या एमिनोस की? एमिनोस दोस्तों लगभग 20 तरीके के होते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताता हूं कि दाल और चावल जो है, ये भी एक कंपाउंड है एमिनोस का। दो एमिनोस मिलकर के कंपाउंड बनाया है, जिन्होंने एक तीसरा एमिनो डेवलप कर दिया। तो ऐसे ही एमिनोस हमारे को न्यूट्रिशन के थ्रू मिल जाते हैं। लगभग 15-18 के आसपास जो है हमको न्यूट्रिशन से मिल जाता है। कुछ जो है वो बॉडी खुद बनाती है एमिनोस। जैसे एक सिंपल सा है, ओमेगा 3, 6, 9 हमको बॉडी को देना होता है। ओमेगा 12 बॉडी खुद बना लेती है, यानी कि उन तीनों को मिक्स करती है और बॉडी ओमेगा 12 खुद बना लेती है। उसकी कोई ऐसी नहीं आती, आप कोई सी भी देखना ओमेगा की, अगर आप जिम जाते हो आपको पता होगा, किसी में भी ये नहीं लिखा होगा कि ओमेगा 3, 6, 9 एंड 12, नहीं लिखा होगा। अगर कोई जेन्युइन होएगा तो ऐसा नहीं लिखा होगा, कहीं फेक होते हैं वो लिख देते हैं, उनको मालूम नहीं होता। असल में ओमेगा 3, 6, 9 होता है, 12 बॉडी खुद बनाती है। तो आज आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी को एमिनोज और ओमेगा की क्यों जरूरत होती है। असल में दोस्तों, एमिनोज जो हैं वो मसल डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं, जो मसल ब्रेक डाउन हुआ उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, कुछ आपकी वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में या उनको लार्ज करने में हेल्प करते हैं, कुछ आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, या कुछ एमिनोज जो हैं वो आपके दिमाग की जो मांसपेशियां हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, इवन आपकी आई साइट के लिए भी। और ओमेगा जो है वो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आपके दिल के लिए अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। उसमें से कुछ एमिनोज भी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग जिम जाते हैं, नेचुरल डाइट पे रहते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स इंटेक करते हैं, बड़े सुंदर से लगते हैं, उनके बाल भी एकदम अच्छे से, यानी कि रेशमी बाल होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आप नेचुरली कैसे एमिनोज बना सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप जिम गए, आपको ट्रेनर ने बोला कि एमिनोज लेना है और आप भाग के सप्लीमेंट शॉप पे गए और आपने खरीद लिया या उसी से ही मंगा लिया। नहीं, कुछ कमीशन होती है उनकी, इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन आप नेचुरली चलें, आप क्यों एक दूसरे रास्ते से चल रहे हैं? नेचुरली बहुत सी चीजें हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, सालम पंजा, कोंज बीज, स्वर्ण भस्म, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हेल्प करती हैं आपकी बॉडी के अंदर एमिनोस की पूर्ति करने में, ठीक है। बादाम के अंदर भी एमिनोस है, ठीक है, दाल चावल के अंदर भी एमिनो है, एग के अंदर भी एमिनोस है, ठीक है, और जो आप प्रोटीन इंटेक करते हैं उसके अंदर भी एमिनोस है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट ही इंटेक करें, आप सिंपल एक शीशी अश्वगंधा की लीजिए और एक शीशी आप सफेद मूसली की लीजिए। आपने उन दोनों शीशियों को आपस में मिक्स कर देना है, एक ही डब्बी खोली है उसको उसमें रखा और आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। दोस्तों, वो पूरा वही काम करेगी, वो 100-150 रुपए की जो डब्बी बनेगी वो वही काम करेगी जो आप 1400-1500-2000 रुपए की एक कैप्सूल लेकर के आओगे, एकदम बल्कि उससे ज्यादा कारगर काम करेगी अश्वगंधा और सफेद मूसली। और अगर आप थोड़े बहुत और मेहनत कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, तो उसके अंदर आप अश्वगंधा
उसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखी है, यानी कि 100 ग्राम सफेद मूसली के अंदर मॉइस्चर होता है। तो आपने सफेद मूसली को अश्वगंधा के साथ पीसना है, नहीं तो आप पिसा पिसाए ले सकते हैं। बस अश्वगंधा की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखना, जैसे कि 100 ग्राम हो गई, बाकी सबकी मात्रा 50-50 ग्राम हो गई, और मुश्किल से 2 या 3 ग्राम सोने की भस्म वो डालनी है। वो आपको सोने की भस्म जो है वहां से मत लीजिएगा, जो भी ज्वेलरी की शॉप होती है, आप चाहें तो पतंजलि से भी ले सकते हैं, वहां से भी सोने की भस्म मिलती है, या किसी और श्री श्री रविशंकर वहां से मिलती है। आप सोने की भस्म डालिए, बहुत ज्यादा कारगर काम करेगी। असल में क्या होता है कि कुछ लड़के जो हैं वो BCA लेते हैं। BCA की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ठीक है, BCAA। ब्रांच चेन अमीनो एसिड का मतलब होता है कि एक ऐसी ब्रांच बनती है जिसके अंदर दो अमीनोज मिलके एक अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आपको थकावट नहीं होती। ये मैंने सुना है, लेकिन मैंने भी इंटेक किया, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मैं नॉर्मल पानी से ही अपना काम चलाता हूँ, अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि BCA हमारी बॉडी को बहुत जरूरी है, मेरे को नहीं लगा। मैं अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, जो मैंने आपको सप्लीमेंट बताया, वो मैं इंटेक करता हूँ। बादाम भी इंटेक करता हूँ, ठीक है। बादाम को अच्छे तरीके से पीसिए, जितना हो सके उसको मलाई बनाए। उसको पीसने के बाद जब आप उसको उंगलियों पे रख के आप देखोगे अब इसके अंदर कुछ भी ऐसा कण नहीं है, यानी कि कुछ भी बचा नहीं, उसको आप दूध के साथ इंटेक करें रात को, बहुत ज्यादा पौष्टिक है। नहीं तो आप सुबह के टाइम इंटेक करें बिना दूध के, दूध की प्रवृत्ति वात होती है, तो सुबह गैस बन जाएगी आपको। अगर आप रात को भी आपको ऐसा लगता है गैस बनती है, तो दूध में सौंफ डाल दीजिए। तो आप बादाम इंटेक करें, उसमें भी अमीनोज हैं, और बहुत अमीनोज हैं, लगभग 15-16 के आसपास अमीनोज है उसमें। और आप मूंगफली इंटेक कर सकते हैं, उसके अंदर भी अमीनोज है, लेकिन ज्यादा नहीं, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। नुकसान पहुंचाने का मतलब है गर्मी कर देगी आपके शरीर के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज लेने से पहले आप ये देख लीजिएगा आपका लीवर ठीक है या नहीं। नहीं है तो आप वेस्टेज कर रहे हैं, पहले जाके डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट करवाएं, उसके बाद आपको जो मेडिसिन देगा सही हो जाएगा, फिर आप इंटेक करें। आपको कोई जरूरत नहीं है बाहर 1400-1500-2000 रुपए की मेडिसिन की, आप सिंपल ये चीजें लीजिए, एकदम कारगर है। आगे सर्दियां आने वाली हैं, तो आप सर्दियों में इसको यूज करें, क्योंकि इनकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो ये आपकी पित्त प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे, आपकी बॉडी के अंदर ऊष्मा गर्मी बढ़ा देंगे। तो आप कोशिश करें कि ये आप सर्दियों के अंदर इंटेक करें, और आपको महसूस होएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा गर्मी आ रही है, ठीक है। वो आप जब वेट उठाएंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, तो बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो दोस्तों, मेरी आपको एक राय है कि आप बेकार में, जो हमारे कुछ ट्रेनर्स हैं, कुछ की मैं बात करूंगा, वो एक तरीके से एजेंट का काम करते हैं कि मैं ला के दे दूंगा ना, मैं प्रोटीन ला के दे दूंगा, मैं एमिनो ला के दे दूंगा, मैं गेनर ला के दे दूंगा। उनकी कुछ कमीशंस होती हैं, वो आपको फेक चीज भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, उनके ऐसे जाल में ना फंसे, अपना खुद का दिमाग लगाएं और अपनी खुद की स्वयं की चीज बनाएं। तो दोस्तों, ये था एक कारगर तरीका जिससे आप अपने घर में एमिनोज बना सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 शीशियों को आपस में मिलाना है और आपका एमिनो तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी जो एमिनो की डिमांड है बॉडी की, वो पूरी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को ये चीज एकदम अच्छी लगी, तो आगे की वीडियो हम प्रोटीन्स के ऊपर बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बनाएंगे, कि किस तरीके से हम गेनिंग के लिए कार्ब्स इंटेक करें। वो भी एक नेचुरल तरीका है, क्यों? क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और आप अच्छी तरीके से बॉडी के अंदर गेनिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक की थी। थैंक यू, डिसमिस।